गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने फिर आपके लिए 25/9/2019 का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज के करंट अफेयर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, तो आप लोग इसको पूरा देखें और इसकी सहायता से अपना खुद का एक नोट्स बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर रोज़ डेली क्विज चल रहा है तो आप उसको ज़रूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में 50 किलोवाट के गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में समकालीन विश्व में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता कार्यक्रम में महात्मा गांधी का एक स्मारक टिकट भी जारी किया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जो आधुनिक विश्व की गांधीवाद विचारधारा और मूलों पर निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डालेगा। जानने योग्य बात, एंटोनियो गुटेरस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 21वीं सदी को चुनौती के साथ जल सहयोग मुकाबला विषय पर आयोजित 6ठे भारत जल सप्ताह 2019 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने मौजूदा जलाशय बांधों अन्य जल निकायों का उपयोग करके वर्षा जल को संचित करने और भंडार करने का की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भूकंप 24 सितंबर 2019 को शाम 4:31 पे पाकिस्तान भारत की क्षेत्र में आया था। भूकंप रिक्टर स्केल पैमाने पर 6.3 तीव्रता और 40 किलोमीटर गहराई पर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके अंतर्गत जमा अपने खाते से 1,000 से अधिक रुपए नहीं निकाल सकते। जमाकर्ताओं को हर बचत खाते या चालू खाते या किसी भी अन्य खाते से कुल राशि का 1,000 रुपया से अधिक राशि नहीं निकाल पाएंगे। यह प्रतिबंध 6 महीने तक रहेगा। पीएमसी बैंक को नए ऋण लेने और राशि जमा करने से रोक दिया गया है। पीएमसी बैंक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में परिचालन के साथ एक बहुराज्य अनुसूचित शहरी कोऑपरेटिव बैंक है। भारत की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन कोच किम जी ह्यून ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का स्वर्ण हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण अपने अनुबंध के अनुसार वह अपने 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत टीम के साथ होने की संभावना नहीं है। गुडावर्ती वेंकट श्रीनिवास को गिनी बिसाउ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह पार्थ सत्पथी को सफल करेंगे। 1993 बैच के IFS अधिकारी श्रीनिवास वर्तमान में देश के सेनेगल गणराज्य के राजदूत हैं। जानने योग्य बात, गिनी बिसाउ के राष्ट्रपति जूलियो वास गिनी बिसाउ के प्रधानमंत्री अरिस्टिडस गोम्स, गिनी बिसाउ की राजधानी बिसाउ और गिनी बिसाउ की करेंसी पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार बिल एंड मिलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह विशेष सम्मान है। यह पुरस्कार उस राजनीतिक नेता को दिया जाता है जिसने अपने देश में प्रभावी कार्यों के माध्यम से वैश्विक लक्ष्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया हो। 2019 में सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार एडम हॉपर को दिया जाएगा। गणितज्ञ एडम हॉपर इंग्लैंड के वार्विक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार विश्व भर में गणितज्ञों को हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी आयु 32 वर्ष से कम होती है और जो प्रतिभाशाली श्री निवास रामानुजन के नेतृत्व में काम कर रहे हों।
इस पुरस्कार में $10,000 $10,000 की पुरस्कार राशि भी शामिल होती है। यह पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था और तमिलनाडु के कुंभकोणम में के पास इसके परिसर में सहस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस, एक साल और 10 लाख की एक नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह अवार्ड साल में एक बार जिन्होंने सिनेमा में बच्चन जी की स्वर्ण जयंती को दर्शाया है। उन्होंने अपना डेब्यू 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हिंदुस्तानी में किया है। बच्चन जी को 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के का आरंभ पुरस्कार का आरंभ 1969 में सरकार द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक की याद में किया जाता है जिन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 को निर्देशित किया है। यह पुरस्कार सबसे पहले भारतीय सिनेमा की पहली महिला देविका रानी को दिया गया था। इस साल नवंबर में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विशाखापट्टनम और काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में पहली बार त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रंप करने की तैयार है। इस अभ्यास के लिए योजना की चर्चा अंतिम योजना सम्मेलन के दौरान पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय पर भारत अमेरिका के त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए की गई थी। अमेरिका और भारत पहली बार त्रिसेवा सैन्य अभ्यास करेगा। भारत पहले रूस के साथ इस तरह के त्रिसेवा सैन्य अभ्यास कर चुका है। अमेरिका के टाइगर ट्रंप की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की पोंग डोमिंग भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। वह 2018 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुई थी। वह 2013 में मेजर के पद पर पदोन्नति हुई। वर्तमान में उसे पोस्टिंग पुणे महाराष्ट्र में है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई सिविल इंजीनियर से पूरी की थी। उन्होंने 2014 में कोगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सेवा की थी। और जानने योग्य बात, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने उनको यह सम्मान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के पोस्ट ट्रस्ट में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती जहाज वराह जलावतरण किया। यह देश में इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम, देश में ही निर्मित इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और सहायक ट्रेवसिंग सिस्टम शामिल है। जहाज को 4 उच्च गति वाले नावों भी शामिल हैं। इसमें 2 कठोर पतवार वाली नावें शामिल हैं जो बोर्डिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो सिस्टम निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल शुरू किया। सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग निजी सुरक्षा एजेंसी को लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाएगा। पोर्टल 90 दिनों के भीतर कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसके बाद के चरण में इसमें और अधिक सुविधाएं शामिल की जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरित्र के सत्यापन और निजी सुरक्षा एजेंसी और कर्मचारी गार्डों को लाइसेंस देने से पहले CCTNS के माध्यम से आवेदकों को अन्य पिछले रिकॉर्डों के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड ई सर्च करने के लिए आधिकारिक को सक्षम करेगी। शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। यह उपलब्धि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 22 सितंबर 2019 को 15 वर्ष और 239 दिन की उम्र की अवधि हासिल की। हाल ही में शेफाली वर्मा का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा है। इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें भारतीय टीम में मौका दिया गया। उन्होंने 6 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 1923 रन बनाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।